या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत गेंदाबाई मोहनलाल लोढा, मोहन भवन प्रतिष्ठान, जामनेर, जिल्हा जळगाव. अध्यक्ष श्री विनोद कुमारजी जवाहरलाल लोढा. धनपुष्प लघु उद्योग पापड निर्माता बडा कोठा, जामनेर, जिल्हा जळगाव. प्रकाशचंद जैन मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी, जामनेर, जिल्हा जळगाव. केशरी मा का लाल है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा. केशरी मा का लाल है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा. इनके चरण जो भी मिले ना जन्म दुबारा, इनके चरण जो भी आए मिले ना जन्म दुबारा. केशरी माँ का लाल है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा. लाइट से अंधकार हटता है, लाइट से अंधकार हटता है, फाइट से क्लेश बढ़ता है. लाइट से अंधकार हटता है, फाइट से क्लेश बढ़ता है. जो एवरीडे अंतगर सूत्र पढ़ता है, जो एवरीडे अंतगर सूत्र पढ़ता है या सुनता है, उसके दिल को राइट डायरेक्शन मिलता है, उसके दिल को राइट डायरेक्शन मिलता है. जितना भी कहूँ कम है, जितना भी कहूँ कम है. पर्युषण के तृतीय दिवस में, पर्युषण के तृतीय दिवस में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का वेलकम है. संयम की सुरभि से जिन्होंने मेकाया है ये जिन शासन, संयम की सुरभि से जिन्होंने मेकाया है ये जिन शासन. ऐसे अंतगढ़ सूत्र में 99 आत्माओं को मेरा कोटि कोटि वंदन. सागर से भी गहरा जिनका ध्यान है, ऐसे प्रभु महावीर के चरणों में कोटि शवंदन. संसार समुद्र से तिराने वाले पूज्य गुरुदेव एवं गुरुवर्य के चरणों में नंदन वंदन अभिनंदन. पर्युषण पर्व के पवित्र दिनों में आपके समक्ष आत्मा की सर्वांग पूर्ण शुद्धि करने के लिए यह पर्व आपके सामने आया है. जो आत्मा की सर्वांग पूर्ण शुद्धि करके इसी भव में मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परमात्मा पद प्राप्त करने को पाने के लिए महापुरुषों का वर्णन, महापुरुषों का जीवन चरित्र आपके सामने सुनाया जा रहा है. अरिहंत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है, अरिहंत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है. केवली के शरीर पर कभी लंगोटी नहीं होती है, केवली के शरीर पर कभी लंगोटी नहीं होती है. हर पहाड़ पर संजीवनी बूटी नहीं होती है, हर पहाड़ पर संजीवनी बूटी नहीं होती है. मुस्लिम के सिर पर कभी चोटी नहीं होती है, गधे के नसीब में कभी रोटी नहीं होती है, गधे के नसीब में कभी रोटी नहीं होती है. पर शास्त्र में लिखी बात कभी झूठी नहीं होती है, कभी झूठी नहीं होती है. आज पर्युषण पर्व का तृतीय सूर्योदय हमारे जिंदगी में उदित हो चुका है. ज्ञान की साधना, दर्शन की साधना, चारित्र की साधना, ये तीन बातें हमारे सामने आई हुई है. ज्ञान साधना यानि ज्ञान का कुछ पाने की ललक जिसके अंदर हो, ज्ञान की कुछ झलक पाने की हम अवश्य प्रयत्न करते हैं और हमें ज्ञान अवश्य प्राप्त करने को भी मिल जाता है. दर्शन, स्व को देखने की कोशिश हमारी जारी है. चारित्र साधना हम चित्र को देखते हैं लेकिन चारित्र को नहीं देखते हैं. चित्र को सजाया जाता है, चित्र को देखा जाता है,
चित्र को परखा जाता है, लेकिन हमें चारित्र को देखना है। हमें भी जीवन को सजाना है, चारित्र को सजाना है। हमारी संस्कृति एक मॉल की तरह है। आप सभी को पता ही है कि मॉल याने क्या होता है। मॉल याने जिस मॉल के अंदर आप चले जाते हैं, उस मॉल के अंदर सभी तरह का माल आपको प्राप्त हो जाता है। उस मॉल में जाने के बाद आपको दूसरे शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। उस मॉल के अंदर आप चले गए तो आपके वहाँ पर जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको क्या हो जाती है, मिल जाती है। सब चीज़ें उस मॉल में मिल जाती है। उसी प्रकार यह पर्युषण पर्व भी एक मॉल की तरह है। वो दो दिन से आपके इस जामनेर नगरी में शुरू हो गया है। हर प्रकार का इस मॉल के अंदर हर प्रकार का आध्यात्मिक धर्म का माल इस मॉल में मिलता है। साधना, आप कहोगे महाराज साहब कौन सा माल मिलता है? साधना, आराधना, दान, सील, तप और भावना इस मॉल में है। बस लेने वाले की हैसियत चाहिए। क्या चाहिए? लेने वाले की हैसियत चाहिए। तो ये त्रिशला नंदन की जो ये इस त्रिशला नंदन का जो मॉल खुला है, तो आप सभी को तैयार होना है। यह दुकान, यह मॉल आपके सामने इस नगरी के अंदर दो दिन से क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। तुम माल खरीदो त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। तुम माल खरीदो त्रिशला नंदन की खुली दुकान है। इस मॉल में प्रेम का, क्षमा का माल लिया तो समझ लेना कुछ न देते हुए सब कुछ मिल गया है। संसार के मॉल में अगर आप जाते हो, वहाँ पर आपको पसंद करनी पड़ती है। जो चीज़ आपको अगर लेनी है, वह चीज़ आपको पसंद करनी पड़ती है। लेकिन जो प्रभु का मॉल है, उस मॉल में बढ़िया से बढ़िया आपको हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर पसंद करने की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं होती है। जिन महापुरुषों ने इस मॉल में पहुंचकर जो माल प्राप्त किया है, जो माल लिया है, उन्हीं महापुरुषों को हम आज क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं या सुना रहे हैं। तो उन महापुरुषों को हमको क्या करना है, सुनना है। ऐसे अंतर्गत सूत्र के अंदर आपके सामने कल वर्णन चला था कि वह छह मुनि देवकी महारानी के यहाँ पर क्या चले गए, गोचरी लेने के लिए, आहार लेने के लिए पहुँच गए। और देवकी महारानी के अंदर मन के अंदर शंका उठी और वह उस शंका का समाधान करने के लिए जो अंतिम सिंगाड़ा आया था दो मुनियों का, वह शंका का समाधान करने के लिए उन दो मुनियों से शंका का अपना समाधान किस तरीके से पूछती है और किस तरीके से करती है। शंका का समाधान करने का भी क्या होता है, तरीका होता है। आप लोगों को भी ये बात ध्यान में लेनी चाहिए कि अगर कोई साधु संतों के मन के अंदर, साधु संतों के बात आपके मन के अंदर आ जाए और उस शंका का समाधान आपको किस तरीके से करना है, वह आपको भी सीखना चाहिए। तो उस देवकी महारानी वह शंका का समाधान कैसी करती है, उसके अंदर प्रश्न उठा और वह मन के अंदर सोच रही है। वह मुनियों को देखकर जब ये बात कही कि तुम बार बार इस नगरी के अंदर जो त्रिपुष्ट वासुदेव राजा करते हैं और इतनी बड़ी नगरी होकर तीन खंड के अधिपति होकर क्या इस नगरी में धर्म भावना कम हो चुकी है, जहाँ पर मुनि राज को आहार पानी की, गोचरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको कष्ट हुआ कि मेरे घर पे बार बार यानी तीन बार आपको क्या करना पड़ा, आना पड़ा। तब वह मुनिराज देवकी माँ से कहते हैं कि हे देवानुप्रिय, जब ये बात कही कि हम वो नहीं है, वह छह मुनिराजों ने कहा कि हे माते, हम वो छह नहीं है। देवकी महारानी कहती है, क्या बात है, क्या बात करते हो तुम? तुम्हारी आँख, तुम्हारी बोली, तुम्हारी चाल, तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप
सब एक जैसे है और फिर कहते हो कि हम वो नहीं है। अरे माते, हम एक्चुअली सगे छह भाई है। वो सोच में पड़ गई, क्या सगे छह भाई है? अलग अलग आए माते, हम अलग अलग आए थे। देवकी महारानी ने कहा, माफ करना भगवान, मेरे मन में शंका आई इसलिए मैंने उसका निवारण कर लिया। ये आप लोगों को भी दिमाग में एक बात रख लो, इसलिए कि नज़रों में भी गफलत हो जाती है, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है, कभी कभी आंखों देखी बात भी झूठ हो जाती है। तब देवकी महारानी मन के अंदर ही सोच रही है, वो मुनिराज, देवकी महारानी मन में अपने ही विचार कर रही है और सोच रही है, किस पुण्यशाली माता ने मुनिवर तुमको दुलाराया होगा, किस पुण्यशाली माता ने मुनिवर तुमको दुलाराया है, किस भाग्यशाली माता ने आचल का दूध पिलाया है, किस सागर की वह सीप सुमंग जिसमें यह मोती जन्मा है, किस सागर की वह सीप सुमंग जिसमें यह मोती जन्मा है, हे वो कौन पुण्यभूमि जिस पर यह कल्पाकुर नव पनपा है, यह नव कल्पापुर पनपा है, किस धर्मधारी देवी ने यह रत्नों का थाल सजाया है। आगे शास्त्र का वाचन जो आपके सामने 8वां अध्याय जो चल रहा था कि मुनिराज गोचरी के लिए आए हुए थे और मुनिराज शंका का समाधान करके देवकी महारानी के पास से जहाँ से आए थे वह भगवान के पास गोचरी लेकर क्या हो रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, गोचरी लेकर भगवान के समक्ष जा रहे हैं। तैनम तिसे देविये देविये एमायरुवे अजथ्ये जाव समुपने एवं खलु अहम पोलासपुरे नयरे अयमुत्तेनम कुमार समनेनम बालतने वागरिया तुमम नम देवानुपिये अट्ठम पुते पया यशसी सरिसय जाव नलकुबर सामने नो चेवनम भरे वासे नो अम्मा याओ तारिसय पुते पसाई सती तनम इच्छा इमम न पचखमेवम दिशहि भारय वासे अन्नाओवी अम्मयाओ खलु सरिसे जाओ पुते पयायाओ तम गच्छामि नम अरहम अरिठनेमि वंदामि नमस्सामि वंदिता नमस्सिता इमम च न इयारुमं वागरनम पुच्छिसामितिम कट्टु एवं संपेयि संपेयिता कौंडोबीय पुरिसे सदावेयि सदाविता एवं वयसी लहुकरण जानपवर जाव वठवेती जहा देव नंदा जाव पजवा साही। जब वह उन छह अंगारों के चले जाने पर देवकी के मन में प्रश्न उठा कि मन के अंदर वह सोच रही है, चिंतित हो गई और उसे एक बात पुरानी याद आई। जो पुरानी बात वह याद आई कि मुझे अति मुक्तक अंगार ने एक बात कही थी। क्या कही थी? कि मुझे कौन से मुनि ने, अति मुक्तक अंगार ने एक बात कही थी कि हे देवकी, तू एक सरीके एक जैसे खूबसूरत 8 बच्चों को जन्म देने वाली माँ बनेगी। 6 का तो पता नहीं, 7वां जो है, 7वां कौन? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण 6 का पता नहीं, 7वां जो है वो भी मेरे पास 6-6 महीने के बाद 6-6 महीने के अंदर पांव छूने को आता है, प्रणाम करने आता है। देखिए, इतने व्यस्त होते हुए भी, 3 खंड के मालिक होते हुए भी, वासुदेव होने के बावजूद भी हर 6-6 महीने के अंदर माँ के चरणों में जाया करते थे, प्रणाम करने जाया करते थे। देखिए उस वक्त की विधा, देखिए उस वक्त का नज़ारा, जो माता पिता के प्रति आदर भाव और श्रद्धा भाव रखता है। पर लेकिन मैं तो सोचती थी कि मैं ही बहुत भाग्यवान हूँ, लेकिन कोई है वो माँ जिसने ऐसे
देवता सदृश जैसे बच्चों को जन्म दिया है। अति मुक्ता अनगा की बात उनको ऐसे कैसे झूठ हो सकती है। जो अति मुक्तक अनगार मुनि ने मुझे जो बात कही थी कि हे देवकी महारानी, तू ऐसे 6 पुत्रों को जन्म देगी, वो एक समान एक जैसे दिखने में, चलने में, उठने में, बैठने में क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। पर लेकिन ये अति मुक्तक कुमार की बात ऐसी कैसे क्या झूठी हो सकती है। और भी तो कोई माँ है, ऐसी औलाद है जिनको देखकर, ऐसी औलाद को देखकर, मतलब उन 6 बच्चों को देखकर, ऐसे राजकुमारों को देखकर, ऐसे मुनि राजों को देखकर, जिनको देखकर नज़र टिक जाए, जिसकी नज़र बंद हो जाए, जिनको देखकर दिल में पेट पैदा हो जाए, ऐसी और भी माता है। पर इस समस्या का समाधान और कोई नहीं कर सकता है, यह तो सिर्फ कौन कर सकता है, भगवान अरिष्ट नेमी ही कर सकते हैं। तैन महारिठ नेमी देवई देवी एवं वयसी से नूनम तेव देवई इमे छे अनगारे पासिता अयमे यारुवे अजित थे जाव संपूजिता एवं खलु पोलासपुरे नयरे अयमुत्तेनम तम चेव जाव निगछंसी निगछिता जेनेव ममम अतियम हवमागया से नूनम देवई देवी अयमठे समठे हंता हत्ती। इस प्रकार भगवान अरिष्ट नेमी ने देवकी देवी से इस प्रकार कहा कि हे देवकी, जैसे उसके मन के अंदर शंका हुई कि ऐसे 6 अनगार हैं जो 6 मुनि हैं, राजकुमार के समान दिख रहे हैं, लेकिन वह मन के अंदर सोच रही थी कि मैं ही भाग्यवान हो सकती हूँ ऐसी माँ, लेकिन इस भारत वर्ष के अंदर ऐसी माँ भी है जैसे इन औलादों को, इन बच्चों को ऐसा जन्म दिया है। उसके मन के अंदर शंका उत्पन्न हुई, पर लेकिन वह सोचने लग गई कि मेरी शंका का समाधान सिर्फ अरिष्ट नेमी भगवान ही कर सकते हैं। तो वह जो अपना धर्मरथ था, धर्मरथ वाले को आदेश दिया, वह धर्मरथ आया। धर्मरथ किसे कहते हैं? सिर्फ वह देवकी महारानी धर्मरथ यानी सिर्फ धर्म की वाणी ही सुनने के लिए और अरिष्ट नेमी भगवान के दर्शन के लिए ही उस रथ का उपयोग करती थी। जैसे ही वह धर्मरथ चलाने वाले को आदेश दिया, वह आ गया उस रथ के अंदर, वह बैठी और चली भगवान के पास पहुंच गई। भगवान को वंदन किया, तिखु तो आया ही नम पाया ही नम करे मी वंदामी नमोसामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवियम जेवियम पजवासामी मथेन वंदामी। भगवान को वंदन करते हुए वहाँ पर वह बैठ गई। जैसे ही भगवान ने देखा कि कौन आई है, देवकी महारानी आई है। देवकी को देखकर अरिष्ट नेमी भगवान ने कहा कि देवकी, तुम आ गई, आज इन 6 संतों को देखकर तेरे मन में ये भाव पैदा हुए कि इस भारत वर्ष के अंदर और भी माताएं हैं कि जिन्होंने नल कुबेर के समान, देवता के समान इन बच्चों को जन्म दिया है। अति मुक्तक अनगार की ये बात तुम्हें याद आ गई, अपनी शंका का समाधान करने के लिए तुम यहाँ आई हो। भगवान की मुख से जैसे ही भगवान ने कहा कि अपनी शंका का समाधान, कि तेरे मन के अंदर जो शंका है कि अति मुक्त कुमार ने मुझे जो बात कही थी वह झूठ कैसी क्या हो सकती है, तो उस शंका का समाधान लेकर आज मेरे पास आई है। जैसे ही भगवान ने यह बात कही, मुख से अपनी बात कही, जैसे ही देवकी महारानी के मन के अंदर वह सोचने लग गई कि भगवान मेरी बात कैसे क्या समझ गए कि मैं ये 6 अंगारों को देखने के बाद मेरे मन में शंका का समाधान आया। भगवान की मुख से अपनी मन स्थिति को शब्दों में प्रकट होते हुए देखकर बड़ी अचंभित हो गई कि कहा, भगवान मैं अपने शंका का समाधान करने के लिए आपके पास आई हूँ। तब भगवान कहते हैं, तो सुन। तब भगवान ने कहना प्रारंभ किया कि उस काल उस समय में बदिलपुर नाम के नगर में नाग नामक गाथापति रहता था। बात प्रारंभ करी, एम खलु
देवानुपिया तेनम कालेनम तेनम समयनम बदिलपुरे नायरे नयरे नागे नामम गावई परिवसई अड्डे तसनम नागस घावईस सुलसा नामम भारिया होता सुलसा घावईनी बालतने चेव निमित्तयनम बागरिया एसनम दारिया निंदु भविष्यई तैनम सा सुलसा बालप भीम चेव हरिन गमेसी देवबत्ता या भी होता हरिन गमे शिष पड़िमम करी करिता कला कलीम नाया जाव पाय चित्ता उल्ल पड़साड़िया महरियम पुप्पचनम करी करिता जानू पायवड़िया पनामम करी करिता तवो पच्छा आहारेवा निहारेवा तयनम तिसे सुलसाए गहावईनीये बत्ती बहुमान सुसुनाए सुसुसाए हरिन गमेसी देवे आराहिये या भी होता तयनम से हरिनम गमेसी देवे सुलसाए गहावईनीये अनुकंपनठाए सुलसम गहावईनीम तुमम चनम दौनी वि समूहयायो करेई तयनम तुब्बे दोवी सममेव गब्बे गिन्नही सममेव गब्बे परिवह सममेव दारहे पयाह्य तयनम सा सुलसा गहावईनी मिनिहाय मावने दारहे पयाई तयनम से हरिनम गमेसी देवे सुलसाए अनुकंपनठाए विनिहाय मावन्नये धारये करयेल संपुडेन गिन्नही गिन्निता तव अत्यम सहारयि तम समयम चनम तुमंपि नवनम मासानम सुकुमाल धारये पसवंसी जेवियनम देवानुपिये तव पुत्ताते विय तव अतित्याओ अंतित्याओ करयेल संपुडेन गिन्नही गिन्निता सुलसाय गावयिनिये अंतिये सहारयि तम तव चेवनम देवये ये पुत्ता नो चेव सुलसाए गहावईनीये तैनम सा देवई देवी अरहो अरिठनेमिस अंतिये यमठम सोचा निसम हट्टतुट्ट जावहिया अरहम अरिठनेमिम वंदई नमस्सई वंदिता नमस्सिता जेनेव तेनेव छे अनगारा तेनेव उवागच्छेता ते छप्पी अनगारे वंदई नमस्सई वंदिता नमस्सिता आगयानुया पप्पूय लोयनाया कचुय पड़ी किकतिया दरिय वलय बहा धारय धारय कलंब पुपगम विव समुसी समुसीयरको कुमा ते छप्पीम अनगारे अनमिसाय दिठ्ठिये पेहमानी सुचिरम निरिखई निरखिता वंदई वंदई नमसिता वंदई नमसिता जेनेव अरा अरिठ नेमिन तेने उवा गच्छिता अरहम अरिठनेमिम तिकुतायनम पयनम करे करिता वंदय नमसे नमसिता वंदिता नमसिता तमेव धम्यम जानपवरम दुरहई दुरयिता जेनेव बारही नयरी तेने उवा गच्छिता बारवई नयरी अनुपविसई अनुपविसिता जेनेव सय गिहे तेनेव बाहिरिया उवाठनसाला जेनेव तेनेव उवा गच्छिता धम्मियाओ जानपवराओ पंचरुहई पंचरुहिता जेनेव सय वासगरे तेने जेनेव सय सैनिज्ये तेने उवागच्छई उवागच्छिता सयंसी सैनिजंसी निसियई तब उस बदिलपुर नाम नगर के अंदर एक नाम गाथापति तब रहता था। अरिष्टनेमी भगवान किससे बात चल रही है? देवकी महारानी से बात चल रही है। उनका शंका का समाधान कर रहे हैं भगवान। जब बात चालू करी बात प्रारंभ की भगवान फरमा रहे हैं बता रहे हैं कि हे देवकी उस काल उस समय में बदिलपुर नाम के नगर में नाग नामक का गाथापति रहता था। बात प्रारंभ करी उनकी पत्नी का नाम सुलसा था जो बेहद खूबसूरत लावण्य पूर्ण थी। जिस वक्त सुलसा बचपन में थी बालक अवस्था में थी उस वक्त वह बाहर खेल रही थी। बच्चे होते हैं तो बाहर खेलते हैं जिस तरीके से आपके बच्चे भी बाहर खेलते हैं तो उसी तरह वह सुलसा भी अपने बाल्यकाल को बचपन में बाहर खेल रही थी। उस वक्त एक ज्योतिषी उनके घर यानी सुलसा के घर आंगन में आया वहाँ बैठा। पिता आए माता आई और उस निमित्त यज्ञ ज्योतिषी की नज़र
सुलसा के ऊपर पड़ी। सुलसा की चेहरे की लकीरें देखकर उसकी हाथ और पाँव की लकीरें पर उसकी नज़र पड़ी। सुलसा को बुला लिया, उसके माँ बाप से कहा कि तुम्हारी बेटी मृतवंध्या होगी। क्या मतलब? उनके माता पिता को समझ में नहीं आया और कहा कि तुम्हारी बेटी मृतवंध्या होगी। क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ? कि देखिए नाग गाथापति, जो तुम्हारी बेटी शादी होने के बाद बच्चों को तो जन्म देगी, लेकिन वह बच्चे जन्म देते देते ही क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मृतवंध्या का मतलब, कभी कोई जन्म देने के बाद मर जाता है, लेकिन जन्म देते देते ही जो बच्चे मरते हैं उसे मृतवंध्या कहते हैं। लेकिन बच्चे जन्मते ही मरे हुए होंगे, तो माँ बाप को चिंता हुई और चिंता माँ बाप से ज़्यादा सुलसा को हुई। माँ बाप ने कहा कि हमारी बेटी का भविष्य तो अंधकार में है, इसका कोई समाधान, इसका एक ही समाधान है कि आपकी बालिका अभी से हिरण गमेशी देव की पूजा प्रारंभ कर दे और हरिनम गमेशी, हिरण गमेशी देव इंद्र का सेनापति होता है। हिरण गमेशी देव कौन होता है? इंद्र का सेनापति होता है। जिस तरह राजा के सेनापति होते हैं, उसी तरह देवलोक के अंदर जो इंद्र विराजमान होता है, तो वह हिरण गमेशी देव वो भी इंद्र का क्या होता है, सेनापति होता है। उसकी पूजा कर, हिरण गमेशी देव की पूजा शुरू कर दे। ये शब्द जब सुलसा ने के कान में पड़े गए, उसने खुद अपने हाथों से ज्योतिषी के कहने से एक चित्र बनाया। कहा कि देवता की प्रतिरूप मूर्ति ऐसी होती है, उस मूर्ति को बनाकर वो ज्योतिषी के सामने वह सुलसा लेकर आती है और पूछती है कि यह देवता की मूर्ति इसी तरह होती है, इसी तरह होती है ना? हाँ, बस इसी को तो हिरण गमेशी देव की उपमा दे, मूर्ति दे, नाम दे, और इसको तो हिरण गमेशी देव मान ही ले। तो इस प्रतिमा को खुद सुलसा ने बनाया और उसकी पूजा प्रारंभ कर दी। बचपन से ही वह गीले कपड़ों में उसकी पूजा करती थी। पूजा करने के बाद ही जल की बूंद मुंह में डाला करती थी। आहार और निहार पूजा के बाद होता था और ये सिलसिला बचपन से जवानी तक और जवानी से शादी भी हो गई। फिर शादी होने के बाद उस मूर्ति को समेट कर कलेजे से लगाकर अपनी ससुराल में लेकर चली गई। वहाँ पर ससुराल में लेकर आई, वहाँ पर भी पूजा जारी रखी। सांस लेना भूल जाती थी वह सुलसा, लेकिन हिरण गमेशी देव कभी भी आँखों से विस्मृत नहीं करती थी। उसकी आँखों से सोते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते घूमते बस एक ही रटन, हिरण गमेशी देव, हिरण गमेशी देव, हिरण गमेशी देव, उसी की धुन में रहा करती थी। सुलसा की इस भक्ति से प्रसन्न होकर हिरण गमेशी देव ने कहा और सोचा कि ये पुजारन जो पागल की तरह मुझे प्यार करती है और मेरी भक्ति करती है, मेरी पूजा अर्चना करती है, ये माँ तो बनेगी, लेकिन जन्मते ही बच्चे को क्या हो जाएंगी, मर जाएंगे। ये कौन सोच रहा है? हिरण गमेशी देव सोच रहा है कि ये जो मेरी भक्तन है, मेरी पूजा करती है, मेरी पुजारी है और मेरी अर्चना करती है, मेरे दिन रात मेरे धुन लगाती रहती है, मेरे तरफ ही ध्यान रहता है, लेकिन ये तो पक्का ही है कि वो बच्चे को तो जन्म देगी, लेकिन मरे हुए ही बच्चे क्या होंगे, जन्म लेंगे। माँ तो बनेगी, लेकिन बच्चे मरे हुए होंगे, जन्म देती अवस्था में बच्चे मर जाएंगे, मृतवंध्या होगी, अब क्या करूं? उस वक्त हिरण गमेशी देव भी चिंतित हो गया। उसी समय वह हिरण गमेशी देव ने ध्यान लगाया कि इस भारत में अपनी भक्तन सुलसा के साथ देवकी को चुना और तुम दोनों को ही यह बात भगवान किसको सुना रहे हैं, देवकी महारानी को सुना रहे हैं। तब देवकी से कहा कि देवकी, उस वक्त उस हिरण गमेशी देव ने सुलसा के साथ में तुमको चुना,
तुम दोनों को ही एक साथ रजस्वला किया, एक साथ ही वो माहौल बनाया कि एक साथ तुम दोनों गर्भवती हुई और गर्भ की पालना भी एक साथ में हुई, प्रसव काल भी एक साथ में आया और जब बच्चों का उत्पत्ति का समय आया, प्रसव वेदना होने लग गई, वह भी क्या हुई, एक साथ में हुई। उस ऑपरेशन का काम किसने किया होगा? अभी तो आपके समक्ष अगर कोई आपकी बहू बेटी प्रेग्नेंट अवस्था में है, अगर जल्दी डिलीवरी नहीं होती हो तो क्या कर देते हैं डॉक्टर, ऑपरेशन कर देते हैं। तो उसी समय पर भी हिरण्यगर्भेशी देव ने उस वक्त यही काम किया ऑपरेशन का, कि जब सुलसा के 6 बच्चे जन्मे थे, वह 6 बच्चे को लाकर क्या कर दिया, देवकी के यहाँ लाकर रखा। तब हिरण्यगर्भेशी देव लग गया उस ऑपरेशन के अंदर, उस काम के अंदर बड़ी प्रसन्नता के साथ वह काम करने लग गया। और देवकी याद कर, देवकी तेरे 5 जो बच्चे थे जिनको तू सोचती थी कि मेरे मरे हुए बच्चों को जन्म दिया, वो मेरे हुए बच्चे तेरे नहीं थे। तूने सोचा था कि जो मेरे बच्चे मैंने मरे हुए बच्चों को जन्म दिया वो मेरे हुए बच्चे तेरे नहीं थे, वो मरे हुए बच्चे सुलसा के थे और तेरे बच्चे उठाकर सुलसा तक क्या कर दिया, उस हिरण्यगर्भेशी देव ने पहुँचा दिया, उसके मरे हुए बच्चे तेरे ही हाथ तक पहुँचा दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला। इसलिए देवकी, ये बच्चे सुलसा के नहीं, ये बच्चे तेरे हैं। इतना सुनते ही रोमांच से भर गई, भगवान को वंदन किया। सहस्रावन में एक आम्र वृक्ष के नीचे वो 6 भाई टोली बनाकर बैठे हुए थे। देवकी वहाँ गई और उन 6 को अपलक यानी बिना पल के झपके वह उन 6 मुनिराजों को देखने लगी। देखते देखते ही मातृत्व पैदा होने लग गया, मातृत्व के भाव जागृत होने लग गए हैं। नसें उठने लगी, चूड़िया कंगन कसने लगे, कंचुकी फड़कने लगी और यहाँ तक कि दूध की धारा भी स्तनों के अंदर से क्या होने लग गई, बहने लग गई। अंदर प्रेम इतना, ममता इतनी जागृत हुई, अपलक दृष्टि से देखती रही। उन 6 ने बोला, माँ क्या हुआ? तब ध्यान आया, पता चला कि अब ये बच्चे तेरे नहीं, पता चला अब ये जिन शासन के बच्चे हैं, अब ये संत बन चुके हैं। विधि से वंदन किया, तिखु तो आया ही नम पाया ही नम करे मी वंदामी नमस्सामी सक्कारे मी सम्माने मी कल्याणम मंगलम देयम जयम पजवासामी मथेन वंदामी। क्योंकि जैन परंपरा के अंदर रिश्ते बड़े नहीं होते हैं, जैन परंपरा में त्याग बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है त्याग? गृहस्थी में जो पहले आता है, आपके गृहस्थ के अंदर जो पहले आता है वो बड़ा होता है। आप ऐसे मानते हो ना, अगर घर के अंदर 4-5 बहुएं हैं, जॉइंट फैमिली है, अगर बड़ी बहू होंगी तो आप क्या बोलोगे, ये बड़ी बहू है, ये छोटी बहू है, ये मझली बहू है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर, जैन परंपरा के अंदर, अगर बेटा दीक्षित हो जाए और माँ दर्शन करने के लिए आए तो माँ क्या करती है, उसको वंदन नमस्कार करती है। क्योंकि त्याग को क्या किया है, महत्व, जैन परंपरा के अंदर त्याग को महत्व दिया है, जो त्यागे वो आगे। एक बार की घटना मुझे याद आ गई, श्रेणिक महाराजा की राजसभा भरी हुई थी। उस राजसभा के अंदर, श्रेणिक महाराजा के नगरी के अंदर एक लकड़हारा रहता था। उस लकड़हारा के मन में, दीक्षित होने के मन में भाव आए कि मैं भी संयम ग्रहण करूं। पहले दिन ही उस लकड़हारे ने दीक्षा प्रवर्जित ग्रहण करी और दूसरे दिन उस राजसभा में आया। जैसे ही उस लकड़हारे जो मुनिराज बन गए थे, उस लकड़हारे को आते हुए देखकर श्रेणिक महाराजा खड़े हो, अपने राज सिंहासन से खड़े होकर उसे वंदना करने लग गए। तब सारे राजसभा में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने विचार किया और सोचा, अरे क्या बात है, ये कल का जो लकड़े बेचने वाला, लकड़े तोड़ने वाला,
और उसे हमारे महाराज वंदना कर रहे हैं। महाराज और मंत्रीवर भी वंदना कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। मन के अंदर उनके कई सवाल उठे, लेकिन अभय कुमार तो बुद्धि के धनी थे। उन्होंने सोचा कि तुम कोलाहल मत करो, मैं तुम्हारा शंका का समाधान कर रहा हूँ, करता हूँ। जब उस समय अभय कुमार ने जो वहाँ पर सैनिक, उनके जो राजमहल के अंदर जो सैनिक थे, उनको आदेश दिया कि अरे सैनिकों, आप तुम लोग इधर आओ, और जो राज भंडार में अपने हीरे मोती जवाहरात जो पड़े हुए हैं वो लाकर तुम इधर राज दरबार में क्या करो, 5 ढेर लगा दो। अलग अलग तरह के मोती, हीरा, पन्ना, मानक जो भी है, 5 तरह के ढेर लगा दो। अब वह सैनिक गए राज भंडार से, वो 5 ढेर उठा के लेकर आए अलग अलग तरह के, और वो 5 ढेर राज दरबार में लगा दिए गए। तब अभय कुमार ने कहा, जो राजसभा में जो सारे लोग बैठे हुए थे, प्रजा बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके सामने ये 5 ढेर लगे हुए हैं, जो एक ढेर लेगा उसकी कीमत, दूसरी कीमत, तीसरी कीमत ऐसे बताया गया कि जो ये ढेर लेगा उसकी कीमत इतनी है। तो पहले तो 1 मिनट के लिए सब तैयार हो गए, पर फिर बाद में अभय कुमार ने कहा कि देखिए प्रजाजन, जो 5 ढेर आपके सामने लगे हुए हैं, वो पहला ढेर है अहिंसा का, जो जीव हिंसा नहीं करेगा उसको ये ढेर दिया जाएगा, और दूसरा ढेर है जो आजीवन भर असत्य का त्याग करेगा, तीसरा ढेर है जो चोरी नहीं करेगा। ऐसे 5 तरह के जो साधु संतों के 5 कितने होते हैं, महाव्रत होते हैं, और आपके गृहस्थ धर्म के अंदर कितने व्रत होते हैं, 12 व्रत होते हैं। तो अभय कुमार ने कहा कि जो पहला ढेर लेगा और आजीवन जीव की हिंसा त्यागेगा, उसके लिए ये पहला ढेर दिया जाएगा। अब क्या करना, अगर आपके सामने भी अगर ऐसे 5 ढेर लगा दिए जाए और आपको कोई बोल दे कि आप जीवन भर तक 18 पापों का सेवन करो, जीव की हिंसा सेवन मत करो, जीव की हिंसा मत करो, असत्य मत बोलो, चोरी मत करो, तो आप क्या करोगे? हाँ, हमारे साथ ये तो हमारे से होता नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं। तब सारे, जैसे ही अभय कुमार ने बोला कि ये 5 ढेर आपके सामने लगे हुए हैं, आपको लेना है, इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत है, तब सारे क्या हो गए, जो बोलने वाले थे सारे पीछे हट गए। तो देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो त्यागता है वह आगे है, चाहे वह लकड़हारा था, चाहे वो कुछ भी था, लेकिन उसने सब कुछ त्यागा। इसके लिए वह सैनिक महाराजा भी क्या कर रहे हैं, राजा होने के बाद भी उन्हें वंदन नमस्कार कर रहे हैं। हमारी बात चल रही थी कि जैसे ही देवकी महारानी ने उन 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया और वह वंदन नमस्कार करके चली गई, जैसे ही अब वह वंदन किया, रथ पर बैठकर, जो धर्म रथ था उस पर बैठकर वो वापस महल में पहुंच गई और रोने लग गई। तैनम से तैनम तिसे देवी है, देवी अयम अजथ्य है, चिंतीय पथ्य मनोगये सकप्पे समुपने एवं खलु सरसिये जाव नल कुबर समाने सत्तपुत्ते पयाया नो चेवनम मये यगस्वी बालतनये समनुभूये एसवीयनम कन्ने वासुदेवे छन्नम छन्नम मासानम मम अतियम पायवंदे हवमागच्छई तम धन्नाओ नम ताओ अम्माओ जासिम मन्ने नियग कुच्छिस भूयाईम थन दुद्धन दुद्धायाईम मौर समुल्लवयाईम ममन पज्जपियाईम थन मूलक मक्कख देशभागम अभिसरमानाईम मुद्दयाईम पुनोय पुनोय कोमल कमल वमेहिम हत्यहिम दिन्नीवन उच्छंगे निवेशियाईम देती समूलावय समूहरे पुनो पुनो मंजुल पभनीय अहनम अधना अपुना अकयपुन्ना एतो एगय रमवी न पत्ता एवं ओहय मन संकप्पा जाव जियाही इमम चन से कन्ने वासुदेव नाये जाव विभूषिये देवये देविये पायवंदये हवमागच्छई तैनम से कन्ने वासुदेवे
देवयम देवीम पासे पासिता देवये देविये पायगन्नम करी करिता देवयम देवीम एमं बयासी अन्नया नाम अम्मो तुब्बे मम पासिता हट्ट जाओ भवई किंडम अम्मो अज्ज तुब्बे ओहाय जाव जियायी तैनंसा देवई देविये कन्ने वासुदेव एवं बयासी एवं खलु अहम अहम पुत्ता सरिसिये जाव समाने सत्य पुत्ते पयाया नो चेव न नम मय यज्ञस वि बालतने अनुभूये तुमम पियनम पुत्ता ममम छन्नम छन्नम मासानम अत्यम पायवंदे हवमा गच्छसि तम धन्नाओ नम ताओ अम्मयाओ जाव जियामि तैनम कन्ने वासुदेवे देवयम देवीम एवं वयसि मानम तुब्बे अम्मो ओहय जाव जियायी अहन्नम तहा बत्तीसामी जहानम मम सहोयरे कन्यसे भवुये भविष्यति कट्टु देवयम देवीम ताहिम इट्ठाइम कंताइम जाव वगोइम समासासेम समासासिता तो पड़िनिखमई पड़िनिखमिता जेनेव पोषसाला तेनेव वागच्छे वागच्छेता जहा अभो नवरम हरिन गमेसिस अठम बत्तम पगिनई जाव अंजलिम कट्टु एवं वयसी इच्छामिनम देवानुपिया सोहैरम कनियसम भावयम निंदिनम तैनम से हरिन गमेसी देवे कन्नम वासुदेवम एवं वयसी होइयनम देवानुपिया तव देवलोय चुए सोहैरे कनियसे भावये सेनम उम्म कब्ब बाल भावे जोवन गमन पुत्ते अरहो अरिठनेमिस अंतियम मुंडे जाव पविसई कन्नम वासुदेवे दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयम वैता जामे व दिसम पाऊपुए तामे व दिसम पड़ी गए तैनम से कन्ने वासुदेवे पोषसालाओ पड़ी निखमई पड़ी निखमईता जेने व देवई देवई तेने उवागच्छे उवागच्छेता देवये देवीये पायगन्नम करी करिता एवं वयसी होही नम अम्मो मम सोहरे कनियसे भावती कट्टु देवयम देवीम इठाइम जाव आसई आससिता जामेव दिशम पाऊभुए तामेव दिशम पड़ी गए तैनम सा देवई देवी अन्नया कयाइम तसिम तारिसगंसी जाव सियम सुमिने पासिता नम पड़ी बुद्धा जाव हट्ट तुट्टी हया गंभम सुवम सुयनम परिवये तैनम से देवई देवी नवनम मासानम जासुमम नारत्त बंधु जीवयम लखारस सरस पारिजातक तरुण दिवायर समपब्बम सवयन यनकत्तम सुकुमालम जावसुरुवे सुरुमम गयतालु लुयसमानम दारयम पयया जम्मनम जहा मे कुमारे जावम जम्मा नम अम्मम इमे दारये गयतालु सुमानय तम हो नमम नम अम्मम येस दारयस नाम देजे गयसुकुमाले तैनम तस्य दारगस अम्मा पियरो नामम करी गयसुकमाले ती शेषम झा मेहे ताव अलम भोग समत्ते जाव व्याभि होता जब वह अपने घर पर चली गई और घर पर जाने के बाद क्या कर रही है रोने लग गई तब लेकिन बच्चे का जब वो सोचती है मन के अंदर रो रही है और सोच रही है कि मैंने साथ साथ बच्चों को जन्म दिया लेकिन एक भी बच्चे का क्या नहीं किया बचपना देख नहीं पाई किसी भी बच्चे को गोद में मैं खिला नहीं पाई किसी की तोतली आवाज़ भी सुन नहीं पाई किसी को मेरे हाथ से मैंने निलाया भी नहीं किसी को अपनी छाती से अपने सीने से भी लगाया नहीं मैं साथ साथ बच्चों की माँ होने के बाद भी किसी भी बच्चे का बचपना नहीं देख पाई मैं कितनी अभागिन हूँ मैं कितनी पापी हूँ पुत्रवती होते हुए भी मैंने पुत्र का आनंद नहीं लिया क्योंकि जो माँ बच्चे का बचपना नहीं देखती है वो माँ कभी कंप्लीट माँ नहीं होती है नहीं बनती है उधर देखिए वो रो रही है इधर श्री कृष्ण नहा धोकर सज धज कर सवार हुए नीचे से आवाज़ लगाई माँ ओ माँ जैसे ही श्री कृष्ण की आवाज़ कानों में पड़ी देवकी की हिचकियाँ और बंद गई खिसकिया नहीं तो माँ हमेशा आगे खड़ी रहती है आ गया मेरा गोपाल आ गया मेरे लाल आज माँ नहीं आई कमरे में पहुँचे श्री कृष्ण एकदम लपक गए माँ का इधर मुँह किया
कंधे से चिपका इधर मुंह करके पूछा, माँ ये आंसू आपके आंखों में? माँ जिसका बेटा वासुदेव उनकी माँ लाचारों की तरह रोए, क्या हो गया तुझको? रो क्यों रही है माँ? माँ ने बताया, आज मेरे साथ जो घटना, अरिष्ट नेमी भगवान के पास अपनी शंका का समाधान करने के लिए गई थी, वो जो घटना सारी भगवान ने जो देवकी महारानी को सुनाई थी, जो घटना सारी बताई थी, वह घटना अपने पुत्र को श्री कृष्ण को क्या कर रही है, बता रही है। आज मेरे साथ ऐसे हुआ बेटा, आज तेरे छह भाई मैंने क्या करे, मैंने देखे हैं। क्या किए? मैंने जो तेरे छह भाई को मैंने जन्म दिया था, मैं आज उन भाई को, तेरे छह भाई को मैं आज क्या करके आई हूँ, देखकर आई हूँ। भगवान अरिष्ट नेमी के चरणों में वह तेरे छह ही भाई क्या हो गए हैं, दीक्षित है। इतने बच्चे को जन्म दिया परंतु बचपन नहीं देख पाई। माँ टेंशन मत लो, मैं हूँ ना आपको ये खुशी देने के लिए, कुछ भी करना पड़े कुछ भी कर सकता हूँ। माँ के आंसू देखकर वासुदेव ने ये सोचा और रहा नहीं गया और कहा कि चिंता मत कर माँ, मैं वापस राजभवन तभी आऊँगा जब मैं अपने छोटे भाई को लेकर आऊँगा। वो वापस राजभवन से चले गए और सीधा कहाँ गए, राज कार्य में नहीं गए, कहाँ पर चले गए, वो सीधा पोषणशाला में पहुँचे। पुराने जमाने के अंदर जैसे आप धर्म स्थानक को क्या बोलते हो, अगर स्थानक है धर्म स्थानक, महावीर भवन, जैन भवन, लेकिन पुराने जमाने के अंदर ऐसे कुछ नाम भी कुछ नहीं थे कि महावीर भवन, जैन भवन, वर्धमान स्थानक वासी, जैन श्रावक संघ, ऐसा कुछ भी नाम नहीं था। सीधा पोषणशाला उसे क्या करते थे, बोला करते थे। वहाँ से पोषणशाला चले गए, अभी तो हम जैन स्थानक लिखते हैं, प्रतिष्ठान लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली पहले ये पोषणशाला ही बोला जाता था। एक बड़ा सेठ भवन में पोषणशाला बनाता था, जब भी पोषित करता वो उसी में पोषित करने जाता था। जो भी व्यक्ति वहाँ आता तो साधु की वेशभूषा में रहता था, पहले संतों के लिए स्थान नहीं होता। वह गए श्री कृष्ण भगवान उस पोषणशाला में चले गए, तेला किया और तेले में किसको आह्वान किया, देवताओं को आह्वान किया। देवता हाजिर हुए, देवता से कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं आठवें भाई का मुंह देखना चाहता हूँ। आठ भाई कैसे क्या, पहले वो छह मुनिराज जिन्होंने दीक्षा ले ली और सातवें खुद श्री कृष्ण भगवान, और आठवां भाई का मुंह क्या करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मेरी माता को बच्चे का बचपना देखना है। तब देवता ने ध्यान लगाया कि एक देवलोक का जीव तेरी माँ के पेट में आएगा, पूरा बचपन बीतेगा माँ की गोद में, जैसे ही बाल्यावस्था से मुक्त होगा यौवन में प्रवेश करेगा, तभी वह अरिष्ट के प्रवचन सुनेगा, उनसे प्रभावित होगा, घर बार छोड़कर क्या करेगा, दीक्षा धारण कर लेगा। ये बात की बात है, आठवां भाई होगा। तेले का पारना करने के लिए माँ के पास गए और माँ क्या हुआ, लड्डू लिया और आँख बंद करके माँ के मुंह में क्या कर दिया, वो लड्डू का कवा रख दिया। पारना बाद में करूँगा, पहले तुम्हारा मुंह मीठा करूँगा। क्यों, पहले खाओ तो सही माँ, पहले सवाल करती हो, जिस चीज़ की कभी वो पूरी होने वाली है, तुम माँ बनोगी। क्या बताया कि माँ जिस चीज़ की तुझे कमी थी, कि तू बोलती थी ना कि मैंने कोई बच्चे को बचपन में नहीं खिलाया, किसी को निलाया नहीं, किसी को दुलाराया नहीं, तो वह क्या होने वाला है, थोड़े दिन के बाद अपने घर में वह खुशी आने वाली है, मेरा आठवां भाई आने वाला है, आएगा, उनका बचपना देखोगी, क्या है खुशी दे दी। एक रात सिंह का सपना देवकी महारानी ने देखा, सिंह झूमता हुआ आ रहा है। उठ गए देवकी रानी और वसुदेव के पास गए। वसुदेव को उस स्वप्न की सारी जानकारी बताई। तब वसुदेव ने कहा कि देवकी तू माँ बनेगी, यह सुनकर प्रसन्न हो गई। जब 9 महीने
साढ़े सात रात्रि होने के बाद देवकी के आंगन में एक लाल आया, वो भी कमाल का निहाल करने वाला आया। जैसे ही वो पैदा हुआ, क्या रूप है उसका, चेहरा दमक रहा है, चमक रहा है। किसी तरह अभी अभी जैसे पूर्व दिशा से लाल लाल सूर्य उदय होता है, उदय हुआ है, उसकी रोशनी निकल रही है, काया दमक रही है, उसकी काया की दमक चमक देखकर उजाला हो गया। राजमहल में वासुदेवी क्या, देवकी ही क्या, जितने राजमहल में दास दासियां हैं, पूरी खबर फैल गई कि देवकी महारानी के यहाँ क्या हुआ, एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ है, शुद्धिकरण हुआ, लेकर नाचने लगे। सबसे पहली खुशी माँ बाप के बाद मनाई तो श्री कृष्ण आए, अपने छोटे भाई को हाथों में रखा, बिना पलक झपकाए भाई की खूबसूरती को देखने लग गए, उसकी कोमलता देखने लगे, उसे लेकर नाचने लगे, नृत्य करने लग गए। श्री कृष्ण का नाम ही क्या है, नटराज। उनको नाचने में चुनौती नहीं दे सकता, क्या कदमों में थिरकन थी, खुशी शरीर में नहीं समाई गई, थिरकन बदल गई, कलेजे से अपने छोटे भाई को लगाया, आँखों से निहारा, बताओ श्री कृष्ण इतने क्यों खुश हो। अपनी माँ को खुशी देकर बहुत खुश हुए। अपने भाई के लिए बड़े भाई ने तेले की आराधना की, साधना की, उसका जो फल मिलता है दिल की खुशी उछाले मारती है। नाम रखा उनकी कोमलता को देखकर। गाल ऐसे थे कि हाथ लगाओ हाथ हटाओ तो गाल स्पंज कर रहे थे, जैसे आपके जलगांव के खमन क्या है, प्रसिद्ध है। वो खमन कैसे होते हैं, स्पंज टाइप होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे दबाओ तो स्पंज टाइप होते हैं। तो ठीक इसी तरह जो गस सुकमाल बालक जो जन्मा हुआ था, उसके गाल भी एक स्पंज की तरह स्पंज कर रहे थे। आहा, पैर को तालू को हटाया, पैर इतने गुद्दे वाले थे, लाल सुरंग पाँव, हाथी के तालू की तरह उनका तालू है, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, गज सुकमाल कुमार रखा गया। माँ कैसे लगा ये नाम, बहुत सुंदर। पढ़ने लगे, जवा हो गए, कितने जल्दी तुम्हारे बच्चे जवा होने के लिए 15 साल लगते हैं, या तो 3 सेकंड में क्या हो गए, बड़े हो गए। यह वर्णन आज गज सुकमाल मुनि का आपके सामने क्या हुआ, जन्म हुआ है। उनका नाम श्री कृष्ण भगवान ने गज सुकमाल रखा, क्योंकि उनके गाल एक स्पंज की माफिक थे, उनके पैर के तालू एकदम लाल सुरंग थे, और उनके पाँव भी कैसे थे, एकदम हाथी के जैसे छोटे छोटे एकदम गुद्दे भरे हुए थे, इसके लिए उनका नाम क्या रखा, गज सुकमाल रखा। तो बंधुओं, आज आपके सामने गज 8वें अध्ययन का जो वर्णन चल रहा है वह उसके अंदर गज सुकमाल का क्या हुआ, जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ, आगे जैसा भी वर्णन आएगा वैसे आपके समक्ष सुनाया जाएगा। बोलिए ओम शांति। आग में तिवे पनते तंजा, सुत्तागम में अथागम में तदुभयागम में, इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो के अतिचार लगाओ तालम, जम वैदम बच्चा मिल्यम हिनक्खरम अचक्खरम भयहीनम विनयहीनम जोगेनम घोषीनम सुट्टुदीनम दुट्टुपड़िछेनम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जाय सज्जाय बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अमिनय अशरना की हो तो तस्म इच्छामि दुखनम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अभी आपके सामने माँ सती जी हित साधना जी महाराज सा जो बड़ा ही कर्मों के बारे में मार्मिक भजन है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। एक एक शब्द आप ऐसे मन लगाकर सुनना कि आप भी सोचोगे कि कर्म का भजन और कर्म की गति कैसी होती है, उस बारे में सुने हित साधना जी महाराज साहब को। गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन गोर अंधार पलक न विसरो तुम बनी गुरु मुझे प्राण आधार गुरु मुझे प्राण आधार।
ऋषभ देव जी दीक्षा लेकर कितने कष्ट उठाए थे, बारे मास तक मिली न भिक्षा, ये संकट क्यों आए थे। बारे मास तक मिली न भिक्षा, ये संकट क्यों आए थे। बारे घड़ी तक एक बछड़े के मुंह में बांध लगाए थे, यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। महावीर स्वामी दया के सागर जंगलों में जाने लगाए थे, एक ग्वाले ने आकर उनके कानों में कीले लगाए थे, एक ग्वाले ने आकर उनके कानों में कीले लगाए थे। पूर्व जन्म में राजा होकर नौकर पे क्रोध लगाए थे, गरम गरम शीशा गलवाकर कानों में डलवाए थे, गरम गरम शीशा गलवाकर कानों में डलवाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। श्रीपाल राजा हो करके कोड़ी क्यों कहलाए थे, धवल सेठ ने श्रीपाल को नदियों में डुबकी लगाए थे, धवल सेठ ने श्रीपाल को नदियों में डुबकी लगाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। पूर्व जन्म में राजा होकर साधु को कोड़ी कहलाए थे, एक साधु को कान पकड़ कर नदियों में डुबकी लगाए थे, एक साधु को कान पकड़ कर नदियों में डुबकी लगाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। एक देवकी के साथ थे बेटे कंस ने तर्क लगाए थे, ऐसे कौन से कर्म किए जो रोए और रुलाए थे, ऐसे कौन से कर्म किए जो रोए और रुलाए थे। पूर्व जन्म में देवरानी के साथ रत्न चुराए थे, एक रत्न वापिस लौटाया श्री कृष्ण को पाए थे, एक रत्न वापिस लौटाया श्री कृष्ण को पाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। यही कर्म का खेल है, देखो करणी का फल पाए थे। साली भद्र एक सेठ का लड़का ऐसे पुण्य कमाए थे, ऐसे कौन से पुण्य किए जो जगयों ने के गो
गुण गाए थे, ऐसे कौन से पुण्य किए जो जग उनके गुण गाए थे। पूर्व जन्म में बालकपन में साधु को कीर बेराई थी, उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गुण गाए थे। उच्च भावना ऐसी जिनकी जग उनके गुण गाए थे। यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे, यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे। चार दिनों की ये जिंदगानी फिर क्यों धोखा खाए थे, जैसी करनी वैसी भरनी फिर क्यों पाप कमाए थे। जैसी करनी वैसी भरनी फिर क्यों पाप कमाए थे। जिए और जीने दो ये मंडल आग लगाए, विजय कहे ऐसा का झंडा घर घर में लहराए, विजय कहे ऐसा का झंडा घर घर में लहराए। यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे, यही कर्म का खेल देखो करनी का फल पाए थे। उपस्थित सज्जनों, माता बहनों, परवादिराज पर्युषण की आराधना प्रारंभ हो गई है। पूर्व दिनों से आप हमारे माँ सती अरज ज्योति जी के द्वारा शास्त्र का वाचन सुन रहे हैं। अनेक महापुरुषों का वर्णन आपके सामने बताया जा रहा है। मैं एक विशेष सूचना देने जा रही हूँ। 8 दिन का अपने स्थानक में पंच तीर्थंकरों का जाप रखा हुआ है और काफी भाई बहनों की लिस्ट आई है। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करने के लिए आप अपना 8 दिन के अंदर आपको तो सहयोग देना ही है, परंतु वहां से जाप पूर्ण होने के बाद हर परिवार को हर घर में 9 घंटे का जाप चलाना है पंच तीर्थंकरों का। हम पंच तीर्थंकरों के सामने अर्जी भेजते हैं तो अवश्य ही हमारी अर्जी पास होती है और महापुरुषों का गुणानुवाद करना है। आपको पता है पिछले 4 महीनों से आप ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, संक्रमण फैल रहा है, अभी तक ब्रेक लगा हुआ नहीं है। हमारी बैटरी खराब हो जाती है तो नई लेके आते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, फोन चार्ज करते हैं, भौतिक चीज़ों को आप चार्ज करना सीख गए हैं, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आपके घर के अंदर जो आदि व्याधि उपाधि जो परेशान कर रही है उस मकान को ऊर्जावान बनाना है। जब आप भगवान के सामने पूजा पाठ करते हैं तो भगवान को आह्वान करने के लिए अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अगरबत्ती न लगाकर जाप के द्वारा ऐसी ऊर्जा फैलाए, ऐसी खुशबू फैलाए कि जो हमारे घर और हमारे भवन, हमारे बंगले के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा आई हुई है उसको सकारात्मक बदलने के लिए ये पंच तीर्थंकरों का जाप रखा हुआ है और सभी घर में हर परिवार को लेना कंपलसरी है। ये आप सोच लेना कि पर्युषण हो गया, चतुर्मास समाप्त हुआ, नहीं, अभी हमारे 100 दिन बाकी रहेंगे। तो हर परिवार काफ़ी 15-20 नाम हमारे पास पहुंच गए हैं। मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्र से शीघ्र अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि व्यवस्था करने वालों को और आपको जाप घर पर ले जाने के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो भी भाई बहन अपने घर में जाप लेंगे
उस जाप के साथ उन्हें एक यंत्र दिया जाएगा जो यंत्र आपके काम में आएगा। और अब हम अंत में भगवान की स्तुति कर लेते हैं। आप सभी एक आसन से बैठें, आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, एक लंबी सांस लें, जितनी लंबी सांस ले सकते हो उस सांस को धीरे और धीरे और धीरे से छोड़ें। श्री आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेशर हरि ओपी आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेशर हरि ओपी आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेशर हरि ओपी श्री 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 आदिनेमि पारस महावीर शांति जिनेशर हरि पारस महावीर शांति जिनेशर हरि ओपी। बोलिए पंचतीर्थंकर भगवान की जय। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी सौ। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी सौ। ओम ह्रीं श्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथाय मम मनोरथ पुरी पुरी सौ। ओम ह्रीं श्रीं हरं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम ह्रीं श्रीं हरं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। ओम ह्रीं श्रीं हरं श्रीं जय सिद्धा विजय सिद्धा फतेह सिद्धा सिद्धि सिद्धा। ओम ह्रीं श्रीं सिद्धाय मम मनोरथ पुरी पुरी स्वा। गुरुदेव की आज्ञा से श्री श्री चतारी मंगलम नरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम कैली प्रतो मंगलम। चतारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा कैली प्रतोधमो लघुत्तमो। चतारी शरणम पौजामि अरियंता शरणम पौजामि सिद्धा शरणम पौजामि साहू शरणम पौजामि कैली प्रतोधमो शरणम पौजामि। अरिहंत का सरणा सिद्ध का सरणा साधु जी महाराज का सरणा केवली परूपी दया धर्म का सरणा। चार सरणा मंगल करना औरन सरणा निको जे भवि प्राणी आदरी तो अक्षय। बोलिए जिन्हें शासन देव की जय।